देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम लोग बस दामनी पर इल्जाम लगाते हो, कोई सबूत तो है नहीं किसी के पास। पहले तुलसी इल्जाम लगाती थी, फिर राधा, और अब तुम लगा रही हो। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम और अजीत अपने ससुराल जा सकते हो, और लेकिन लेकिन मुझे दामनी के बारे में कुछ नहीं सुना और किसी से कुछ नहीं सुना। वो केत की बात करने आई थी वो मुझसे, और मैंने क्या किया, राधा का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, उस बेचारी पर। कोई गलती नहीं थी उसकी। क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब। कुछ ही पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनों के साथ ही चिढ़ रहा हूं, अपनों के साथ ही मैं चिढ़ जाता हूं, पता नहीं क्यों। मुझे पता था मोहन, तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और उम्मीद इस बात की है कि राधा दामिनी के बारे में जो कुछ भी बोल रही है ना, वो सच है, और वो जल्द से जल्द तुम्हारे सामने आ जाए। तुम्हें पता चले कि दामिनी क्या करना चाहती है। हेलो हेलो, कौन? मुझे फोन मत रखिएगा। किसी के पीछे पड़ना ना कोई तुमसे सीखे। सांस लेने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती ना तुम। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे अकेले छोड़ा भी नहीं जाता है मोहन जी। हम जानते थे कि आप ना ही हमारे नंबर से फोन उठाते, ना ही गायत्री काकी जी के नंबर से फोन उठाते, तो इसलिए हमने तीसरे नंबर से आपको फोन किया। फोन क्यों किया तुमने? मोहन जी, आज ना हमारी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मान लीजिए कि सारा जीवन इसी मीटिंग पर निर्भर करता है हमारा, तो अगर आप हमें शुभकामना देते तो हमारा काम बन जाता। इस वक्त मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ निकलेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कुछ ना कहूं। बद्दुआ दे सकते थे पर दी नहीं। आपकी चुप्पी हमारी शुभकामना है मोहन जी। हम जानते हैं कि आप गुस्से में भी हमारा कितना ख्याल करते हैं। राधा जी। माँ जी चलो, मीटिंग का वक्त हो गया। जी माँ जी। उससे पहले कि दामिनी जी ये सारे राज अपने कमरे से बाहर निकाल दे और उस सबूत को नष्ट कर दे, हमें सच का पता लगाना ही होगा, और ये भी पता लगाना होगा कि आखिर उनकी मदद कर कौन रहा है। Yeah.
मोहन, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों? नहीं मासी, मैं ठीक हूं। बेटा तुम हमसे झूठ नहीं बोल पाओगे। देखो बेटा, हम जैसे दामिनी को बचपन से देखते आए ना, उसी तरह तुम्हें भी बचपन से जानते हैं हम। दामिनी का चेहरा देखकर उसकी तकलीफ समझ जाते हैं, बस उसी तरह तुम्हारी ये मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू छिपे हैं हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ना, उधर दामिनी परेशान है, यहां पर तुम परेशान हो, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि दामिनी की हालत कितनी खराब है। पता नहीं, वो बिल्कुल चुप सी हो गई है, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है बेटा, वो हमसे भी बात नहीं कर रही है। मासी, दामिनी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बात बताए, देखो बेटा, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बिटिया ने पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करने में बिता दी, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे खर्च कर दी है उसने। लेकिन लेकिन बदले में उसे क्या मिला? जिस प्यार की वो हकदार थी वो भी उसे नहीं मिल पाया। हमें लगता है कि इसकी ये हालत कहीं इसी की वजह से तो नहीं है ना? अगर ऐसा रहा ना मोहन, तो कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। देखो बेटा, आज तक तुम्हारे साथ हमारा हमेशा हंसी मजाक वाला रिश्ता रहा है, लेकिन आज एक माँ होने के नाते हम तुमसे विनती करते हैं बेटा, हमारी बिटिया को अपना लो। अगर उस पर कोई उंगली उठाए और उसकी गलती हो तो बेशक बेशक सबके सामने उसे मार देना, लेकिन अगर उसकी गलती ना हो तो उसका साथ देना बेटा, उसका हाथ थाम लेना। क्योंकि मोहन बेटा, अगर इस बार वो टूट कर बिखर गई ना, तो उसे कोई भी समेट नहीं पाएगा। मासी, मासी, बस, 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 मासी, बस, आप रोना बंद कीजिए। मासी, बस ना, बस, ठीक है, कुछ नहीं होगा दामिनी को, और अब रोएगा नहीं ना। आपकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि शरारत अच्छी लगती है। ये आप रोते हुए नहीं, बल्कि मजाक मस्ती कावेरी लीला करते हुए अच्छी लगती है। सच्ची? और नहीं तो क्या? मासी, आप प्लीज दोबारा मेरे सामने ऐसे टूटिएगा मत। तो रही बात दामिनी की, तो कुछ नहीं होगा दामिनी को। मैं उसी की तरफ हूं, ठीक है? पक्का? पक्का। वचन देते हो हमें? माँ बेटे वाला वचन। चुक चुक जियो।
नेक्स्ट क्वार्टर में हमें थोड़ी और वेराइटीज की बुक्स ऐड करनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक बुक्स ही नहीं पर धर्म पे बेस्ड लोकल कहानियां भी हमें पब्लिश करनी चाहिए। यही हमारे रिसर्च की रिपोर्ट है। दामिनी, क्या हुआ? हाँ माँ, बस सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। कहा था हमने तुम्हें आराम कर लो, इतनी जल्दी क्या है ऑफिस ज्वाइन करने की? और ऑफिस ज्वाइन करते ही देखो इतनी लेट नाइट प्रेजेंटेशन भी रख दिया। दामिनी, ये प्रेजेंटेशन हम कभी भी देख सकते थे। हाँ पर वही बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। आठ दस हो गए, दामिनी चाची कुछ कर क्यों नहीं रही? You carry on. पक्का नाटक कर रही है। अब तुम्हें क्या हुआ? वो बड़ी मैडम जी, दामिनी मैडम जी को हमारी जरूरत हो सकती है ना, तो हम जाकर उनकी सहायता करते हैं। जी कैरी ऑन। अरे ना ही दामिनी चाची और ना ही उनका बैग, फिर दामिनी चाची गई कहाँ? मुझे ये सबूत जल्दी ठिकाने लगाने होंगे, मेरे पास आधा वक्त नहीं है। अचानक आ चली गई।
दामिनी चाची यहाँ क्यों गई हैं? क्या है ये जगह? ताकि ऑफिस में सबको ये लगे कि तुम खुद ही कहीं चली गई हो। बहुत शौक था ना तुम्हें राधा दिमाग ज्यादा कहलाने का? तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम दिन भर छुप छुप के मेरा पीछा करोगी, मेरी बातें सुनोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुलसी की मौत के राज की सुई ना मुझ पर आके नहीं अटकनी चाहिए। राज की बात जानने की कोशिश करने वालों की मौत बिना एक राज बन कर ही रह जाती है राधा। देखो ना, यहाँ मेरा फोन डेड हुआ तो मैंने उसे फिर से जिंदा कर दिया, और जब तुम डेड होगी ना तुम्हें कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा। अब तो बस 8 बजने का इंतजार है। इनफैक्ट राधा, आज सुबह से तुम मुझ पर नजर सिर्फ इसलिए रख पाई हो क्योंकि मैंने तुम्हें खुद पर नजर रखने दी। गेट इट? इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि तुम मेरा पीछा करो। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो। मैं जानती थी राधा कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगे। पर क्यों? इसमें आपका क्या फायदा? और फिर आपने ये पर्ची हमें इतनी आसानी से कैसे दे दी? वो इसलिए राधा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम उसे देखो, खोलो, पढ़ो। बहुत शौक था ना तुम्हें ये जानने का कि वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। खुद ही देख लो। ये तो
मोहन जी के नाम पर। एग्जैक्टली वही मोहन जिस पर अपनी बीवी को मारने का इल्जाम है, उसी के नाम पर तो ये नंबर रजिस्टर्ड है। अब बताओ अब तुम क्या करोगे? सबको जाके ये कहोगे क्या कि मोहन को इतने सालों पहले जिसने भी वो मैसेजेस भेजे थे वो खुद मोहन ही था? कैसी औरत है आप? मोहन जी आपके लिए हमसे और अपने पूरे परिवार से लड़ रहे और आप उन्हीं को फंसा रही है? नहीं राधा, मैं मोहन को नहीं फंसा रही हूं, उसे तो तुम फंसा रही हो। इनफैक्ट मैं तो इतने सालों से उस रात को छुपा कर बैठी हूं। फिर आज हमारे साथ आप आंख में चोली क्यों खेल रही है? आखिर चाहती क्या है आप? इतनी सा दिमाग और इतने सारे सवाल, सोच सोच के तो थक जाती होगी ना तुम। तो क्यों ना तुम्हारे दिमाग को थोड़ा आराम दिया जाए। अब तुम जहां खड़ी हो ना राधा, वहां तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इतना आराम कि धीरे धीरे तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। बाय राधा। इसके बाद कभी भी मत मिलना। टीचर है।